देख रहे हैं SDN News, मुद्दे की बात आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SDN News में। मैं हूं चांदनी। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि पर बच्चों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों के प्रदर्शन और मीडिया के बढ़ते दबाव के बाद कॉलेज प्रशासन को फॉर्म भरने की तारीख बढ़ानी पड़ी। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में स्नातक के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 जून तक थी, जिसे छात्रों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और फॉर्म भरने के बाद अंतिम दिन जमकर हंगामा किया गया। उनका आरोप है कि 20 तारीख से फॉर्म भरने की शुरुआत हुई थी और 25 को अंतिम दिन रखा गया था, जिसमें एक रविवार भी आया। ऐसे में छात्रों को वक्त नहीं मिल पा रहा है कि वह फॉर्म को भर पाए। उसके अलावा कॉलेज में छात्र छात्राओं की बढ़ती संख्या और कम काउंटर होना भी इनकी परेशानी की मुख्य वजह है। ऐसे में कॉलेज प्रशासन पर छात्रों के हंगामे ने असर किया और तारीख को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि छात्रों का यह भी कहना है कि जब तक मीडिया कॉलेज में नहीं पहुंची थी, कॉलेज प्रशासन अपनी मनमर्जी दिखा रही थी। मीडिया के आने के बाद प्रशासन में थोड़ी हरकत आई और छात्रों के हक के लिए 2 दिन की तारीख बढ़ाई गई। छात्रों का यह भी कहना है कि विश्वविद्यालय की तरफ से 27 तारीख तक का अंतिम दिन रखा गया है, जबकि कॉलेज की तरफ से महज 25 तारीख तक दी गई थी, जिस वजह से भी छात्रों में आक्रोश था। पेश है ये रिपोर्ट। क्योंकि वाले पास डेट कम है, बच्चे जाओ ज्यादा कि फॉर्म फिल बच्चे जमा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी परेशानी हो रही गर्मी की मौसम में। हम चाहते हैं इसको डेट को आगे किया जाए। कब तक का डेट है? 30 तक। कब? 30 तक। अभी डेट है कब? लास्ट डेट दिया गया है। हां, तो कितने बच्चे अभी बच गए होंगे? उम्मीद तकरीबन 50% बच्चे हुए। तो अंदर कॉलेज प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन को तो नहीं मिले, कुछ नहीं बोल रहे, बोल ही नहीं रहे, कुछ नहीं बोल रहे। कहना कि ना तो काउंटर अलग ही अलग अलग कर, ना तो हम लोग का कोई परेशानी देख रहे हैं। अभी 50% लड़का बचा हुआ है। एक तो काउंटर बनाया है, एक ही काउंटर बचा हुआ है, एक ही जो काउंटर बनाया है। कब से फॉर्म का डेट चल रहा है? 20 तारीख से। आज लास्ट डेट कर दिया, 20 तारीख से 25 तारीख तक है डेट, 5 दिन में। लेकिन 5 दिन में 50% भी नहीं हुआ है। इसमें भी संडे बंद रहा होगा, संडे बंद रहा है। उसके बाद 2 बजे के बाद काउंटर बंद हो जाता है। अंदर आप लोगों ने बातचीत की? अंदर बात की है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इत्मीनान शांति बना के रखो, सब चीज होगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं देख रहे हैं। नोटिस लग गया है, नोटिस लग गया है। आज लास्ट डेट है, अगर आज नहीं होगा तो हम फाइन देना होगा। फाइन देना होगा। फाइन नहीं देंगे हम लोग, चाहे जब तक। 150 रुपये। 200 रुपये। बच्चे लोग काफ़ी परेशान है, जिसके लिए जो है बच्चे लोग आक्रोश हो गए और उस आक्रोश में मीडिया भाई जी लोग आए हैं। तो उस कारण, उस वजह से जो है 2 दिन का डेट बढ़ाया गया है और हमें नहीं लगता है कि 2 दिन में ये फॉर्म फिलअप हो पाएगा। इसीलिए हो सकता है तो हम लोग इसे फिर आगे जो है डेट बढ़ाने की मांग करेंगे। एक तो बहुत कम समय दिया है फॉर्म भरने के लिए। जब छुट्टी ख़त्म हुई कॉलेज की 20 तारीख को, तभी जो है स्टूडेंट, अच्छा से जो स्टूडेंट यहाँ से बाहर रहते हैं वो पहुँचा भी नहीं था यहाँ पे, और अचानक फॉर्म भरने का डेट निकला। उसके बाद फिर संडे पड़ गया, और उसके बाद जब आ जाया है सब मंडे को, ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, सारा का एक साथ दिया जा रहा। उसके साथ जो इग्नू बीएड सबको मिला दिया, कॉलेज को कचरा कर दिया। गाड़ी पार्क करने का जगह नहीं है बाहर में, ठीक है। और उसके बाद जो है अंदर गया, और बहुत सारे लड़के इस प्रॉब्लम में हैं, वो अपने सिस्टर को या फिर अपने फ्रेंड को देके अंदर अपना ये भेज रहे, क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम है। इतना लंबा लाइन, इतनी धूप में तो कोई लाइन में लग नहीं सकता है, ठीक है। अभी 27 तारीख तक डेट बढ़ा दिया गया है, ऐसे में कुछ राहत तो मिली होगी? जी, राहत तो मिली है, बट ये है ना कि आज ही डेट शुरू करेंगे आप, आज ही लास्ट डेट कर देंगे, उसके बाद डेट बढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हर बार जब हम लोग फॉर्म भर रहे थे तो 8 दिन 10 दिन का या 5 दिन का कम से कम समय मिल रहा था। उसके बाद जैसे संडे खत्म हुआ, आज पता चला फर्स्ट डेट है, स्टूडेंट सब सोचा होगा। डेट तो 20 तारीख से चला आ रहा है, डेट तो 20 तारीख से चला आ रहा है, ठीक है, बट संडे जानकारी लोगों जानकारी नहीं थी और अचानक से निकलता है, ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटी तो इसके लिए कुछ करती नहीं है, कभी पूर्णिया यूनिवर्सिटी लड़ रही है, हम लेंगे इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो एक तो खैर यूनिवर्सिटी तो सब जानता है यूनिवर्सिटी क्या है, बट उसके बाद जो है पूर्णिया कॉलेज में जो इस तरह का घटिया स्टाफ सब, जो हम क्लियर कहेंगे, ठीक है, एक स्टूडेंट के नाते मुझे बोलने का पूरी स्वतंत्रता है, और हमारे बिहार में इस तरह का बोलने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो इस तरह का प्रॉब्लम है वो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, और यहाँ के जो स्टाफ है अगर उसको स्टूडेंट प्रॉब्लम जाके पूछता है तो मुंडी ऐसे नीचा कर लेता है जैसे मछली बेच रहा है, उसको कॉलेज के बारे में कुछ पता नहीं है। आज BNMU ने जारी किया था पार्ट 2 पार्ट 8 का एग्ज़ाम फॉर्म का,
जो कि 20 से 27 तक का बीएनएम जारी किया था। अपना पूर्णिया कॉलेज ने जारी किया 20 से 25 तक का, जो कि आज लास्ट डेट है। आज 25 तारीख जो आज लास्ट डेट होने के कारण विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि विद्यार्थी लोग हंगामा करने पर मजबूर हैं। वो लोग का कहना है कि डेट को आगे बढ़ाया जाए, तो हम लोगों ने भी वहाँ माहौल को शांत करवाया और हम लोगों ने बड़ा भाऊ से बात किया। उसने बोले कि हम लोग शांत करवाएंगे, तो उनका नींद खुला है। हम लोग हल्ला करने के बाद उनका नींद खुला और वो आश्वासन दिए हैं कि हम लोग 2 दिन का डेट बढ़ाएंगे, जो कि 27 तक डेट जाएगा बिना लेट फाइन का। और भैया वो आदमी बोले प्रमोटर वाला रिजल्ट नहीं आया, फिर भी फॉर्म भरा। और जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही हम लोग बीसी को, आप मतलब कुलपति जी को और कुल सचिव को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था कि प्रमोटिव पार्ट 1 का पार्ट 2 का भी रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित कर दे, ताकि विद्यार्थियों लोग को फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो पार्ट 2 में या पार्ट 3 में। तो अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है कितने बच्चे आते हैं, घूम के आते हैं और फॉर्म भराया जा रहा है और डेट भी खत्म होने की संभावना है। तो हम चाहते हैं कि बीएनएमयू जल्द से जल्द पार्ट 1 पार्ट 2 वाले प्रमोटेड का रिजल्ट जल्द से जल्द